नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। आज जनपद में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 26 पहुंच चुकी है। 2 दर्जन से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिलने की जिलाधिकारी ने जानकारी दी। देखिए, दूसरा चरण लॉकडाउन का शुरू हुआ था 14 अप्रैल के बाद से, और ये निर्णय लिया गया था भारत सरकार के स्तर पर कि 20 तारीख को उन जिलों में, उन जगहों पर जहां ज़्यादा संक्रमण नहीं होगा, कुछ छूट दी जाएगी। जनपद बिजनौर में चूंकि संक्रमण है और हमारे 23 और 3 और यानी 26 लोग पॉजिटिव आए हैं, तो इसलिए 20 तारीख को हम लोगों ने यह निर्णय लिया है यहां जनपद बिजनौर के लिए कि यहां किसी भी प्रकार की छूट हम नहीं दे रहे हैं। जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित छूट की बात थी और मेडिकल सर्विसेज की छूट की बात थी, उसके अलावा कोई और नया चीज़ हम यहाँ प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी संख्या संक्रमित व्यक्तियों की ज़्यादा है और संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। एक तो स्थिति ये है कि आज हमारे यहाँ जनपद बिजनौर के 26 कुल व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं, जिनको जैसे ही उनके बारे में सूचना मिली है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ 15 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं हम लोगों ने, जिनको पूरी तरह से सील करा दिया गया है। वहाँ किसी व्यक्ति के जाने या वहाँ से किसी व्यक्ति के आने की पर पूरी रोक लगा दी गई है। हमारे पास चैलेंज ये है कि सभी व्यक्तियों को, विशेष रूप से इन हॉटस्पॉट इलाकों में, हम एसेंशियल सप्लाईज कैसे करें, तो उसके लिए टीमें बना करके और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम एसेंशियल सप्लाईज इन सील्ड इलाकों में भी इंश्योर करा रहे हैं। जो हमारा बाकी जनपद है, लॉकडाउन का इलाका है, उसमें भी डोर टू डोर सर्विसेज के माध्यम से हम ये उपलब्ध करा रहे हैं। सख्ती से पालन कराया जाना लॉकडाउन का और सील इलाकों में टोटल सील रखना, ये हमारी बाध्यता है, हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारा कर्तव्य भी है इस बिजनौर की जनता के प्रति। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे जनसामान्य और सारे प्रबुद्ध वर्ग इसमें हमारा सहयोग करेंगे। लगातार हम सैंपल्स की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि हमको अंदाज़ा रहे कि अगर किसी अन्य इलाके में, कोई और समूह में संक्रमण होने की संभावना हो, तुरंत वो डिटेक्ट हो जाए और हम उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसको सील कराने की वो कर सकें। लगातार हमारे ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स अपने क्षेत्र में हैं और सतर्क दृष्टि बनाए हैं और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। एक घटना हमारे दुर्भाग्य से एक सब इंस्पेक्टर के इन्फेक्टेड होने की भी सामने आई है, तो उस विषय में भी जो आवश्यक प्रोटोकॉल है मेडिकल का, वो सब लेते हुए और जितने भी लोगों का उनसे संपर्क हुआ है, उनकी सैंपलिंग कराना, चेक कराना, टेस्ट कराना और उस जहां वो रह रहे थे उस इलाके को सील करा करके कार्रवाई करना, वो भी करा दिया गया है। तो हमारे स्तर पर, हमारी टीम के स्तर पर पूरी सावधानी बरती जा रही है कि किसी भी तरीके से ये संक्रमण फैलने न पाए और हम इसे कंटेन करके जो भी इस पर प्रभावित लोग हैं उनका समुचित इलाज करा सकें। मंडी में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, कुछ थर्मल स्कैनिंग की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, मंडी में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कराने के लिए हमने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं और ये पुलिस के लोगों को और मजिस्ट्रेट्स को बहुत स्पष्ट कहा गया है कि मंडी में सवेरे सवेरे एक ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए वो एक दूसरे से दूरी पर रहें और किसी भी स्थिति में एक दूसरे के कंटैक्ट में ना आएं। ये एसेंशियल सप्लाईज का मसला है, थोड़ा सा उसमें लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन हमारा अनुरोध है सभी से कि हमारा इसमें सहयोग करेंगे और ऐसा अवसर नहीं आने देंगे कि हमें सख्ती करनी पड़े और कुछ अवांछनीय कार्यवाही करनी पड़े, उनको गिरफ्तार कराने की या मुकदमा कायम कराने की कार्यवाही करनी पड़े। हमें सख्ती करना हमारी बाध्यता है, हम किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन अलाउ नहीं कर सकते।